से शुरुआत करते हैं। आर्यन की जमानत अर्जी से पहले आज तक को आर्यन और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट हाथ लगी और ये चैट जो है वो 2019 और 2021 की है। इस चैट में दोनों ड्रग्स को लेकर बात करते दिख रहे हैं। आर्यन अनन्या से कहता है कि तुमने वीड खरीदा, अनन्या जवाब देती है कि उसे मिल रहा है, वो काम पर लगी है, ये काफी डिमांड में है, तुम्हारे लिए सीक्रेट रूप से लेती हूँ। तो ये व्हाट्सएप चैट हाथ लगी, ये सामने आई 2019 और 2021 की वो व्हाट्सएप चैट है, जिसके आधार पर ही आपको बता दें कि अनन्या पांडे को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक बार वो पहुंची लेकिन कल वो नहीं पहुंची थी, आज फिर उन्हें पहुंचना है। और ड्रग्स की बकायदा बातचीत इस व्हाट्सएप चैट में अनन्या और आर्यन खान के बीच है। आपको बता दें कि दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि चंकी पांडे और शाहरुख खान की दोस्ती उस दौर से है जब शाहरुख खान स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद वो दोस्ती इनके बच्चों में भी हुई और उसी के बाद अब ये कनेक्शन ड्रग्स का भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है उसमें जिक्र है, बकायदा नाम लेकर जिक्र है कि कौन सी ड्रग्स उन्हें चाहिए, क्या उसका इंतजाम हो पा रहा है, जिसके जवाब में अनन्या कहती हैं कि हाँ ये बहुत मुश्किल से मिल रही है लेकिन मैं इसके लिए तुम्हारा ये इंतजाम इसका कराती हूँ। तो फिलहाल ये चैट सामने आई, जिसके बाद अब अनन्या पांडे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले अनन्या पांडे का जो चैट सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स को लेकर बातचीत नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें बकायदा नाम का जिक्र भी है कि तुमने वीड खरीदा। अब ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आई कि अब मैं इस काम में लगी हुई हूं, तुमने गांजा खरीदा, ये सवाल आर्यन की तरफ से पूछा जाता है अनन्या से व्हाट्सएप चैट में, जिसका जवाब वो देती हैं कि मुझे ये मिल रहा है। उन्होंने इसका जवाब दिया, वो कहा कि वो काम पर लगी हैं, ये भी कहा कि ये काफी डिमांड में है, तुम्हारे लिए सीक्रेट रूप से मैं अरेंज करती हूं, मैं लेती हूं, अभी ये बहुत डिमांड में है। तो ये चैट सामने आई अनन्या और आर्यन की, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर अनन्या पांडे की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। इस चैट से जो खुलासे हुए हैं उसके तहत कल कोकीन लेते हैं, ये बात भी यहां चैट में कही गई है, जिसमें अनन्या और आर्यन आपस में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है एनसीबी तुम्हें परेशान करेगी, ये बात आर्यन खान अनन्या को कह भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस काम में लगी हूं और मैं अरेंज कर रही हूं जो तुम्हें चाहिए। तो अनन्या पांडे ने ये कहा, अनन्या पांडे से जब पूछताछ हुई थी तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती है, लेकिन जो चैट है उसमें आर्यन खान पूछ जरूर रहे हैं कि क्या तुम्हें गांजा मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं अरेंज कर रही हूं और ये बहुत डिमांड में है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे अरेंज करने की पूरी कोशिश कर रही हूं। तो फिलहाल ये चैट जब सामने आई उसी के बाद अनन्या पांडे को भी जाहिर तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल वो उन्होंने कहा निजी कारणों से वो नहीं पहुंची। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरविंद, अब ये चैट सामने आई जिसमें अनन्या पांडे पहले तो जब आई थी एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए, उन्होंने कहा कि ड्रग्स को लेकर कोई बात हुई नहीं और वो ड्रग्स का सेवन भी नहीं करती, लेकिन बकायदा इस चैट की अगर माने तो इसमें तो ड्रग्स का नाम है और ये भी कहा गया कि मैं अरेंज कर रही हूं तुम्हारे लिए। देखिए, 26 दिनों से पूरे देश की मीडिया जिस केस पर लगी थी, आज तक ने वो एक्सक्लूसिव चैट अपने दर्शकों को वो दिखा रहा है कि किस तरीके से बकायदा जो अनन्या पांडे, जिनसे अभी भी पूछताछ चल रही है, दो दिनों तक पूछताछ हो चुकी है उनसे, कल वो नहीं आई लेकिन आगे भी पूछताछ होगी, वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनन्या पांडे और आर्यन खान जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, दोनों के बीच चैट हो रही है जिसमें बकायदा आर्यन खान वीड के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वीड का जुगाड़ हो सकता है, जिस पर अनन्या कहती है कि मैं आपके लिए वो व्यवस्था कर रही हूँ, आई एम गेटिंग इट। और उसके बाद फिर पूछा जाता है, जब अनन्या पांडे जवाब नहीं देती है तो वो कहती है आई एम इन टू बिजनेस, यानी कहीं ना कहीं वो बोलती है कि वो व्यवस्था कर चुकी है। उसके बाद आर्यन कहते हैं कि वो सीक्रेट तरीके से वो उनको दे दे। हैरानी की बात यह है कि एनसीबी का भी चैट में जिक्र हो रहा है। अर्पिता, पिछले दो साल से जिस तरीके से हल्ला हंगामा खासकर मुंबई में देखने को मिला है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच, उसके बाद कहीं ना कहीं दहशत और डर तो जरूर है, लेकिन उसका मजाक भी इस चैट में उड़ाया जा रहा है। दूसरी जो चैट आज तक के हाथ लगी है, जिसमें आर्यन अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपने दोस्तों के साथ है उसमें कहते हैं कि लेट्स डू कोकेन, यानी हम कोकीन लेते हैं। उसके बाद उसमें कुछ दोस्तों के बीच जिस तरह की बातें होती है, हम ऑन एयर नहीं बोल सकते, वो तमाम बातें हो रही है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यानी यहाँ पर अनन्या पांडे की इसलिए भी दिक्कतें अब ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर वो लेती भी नहीं है ड्रग्स, लेकिन क्या वो अरेंज कराती है, क्या ऐसा कोई काम करती है वो, अब इस एंगल पर जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ होगी और मुश्किलें बढ़ेंगी।
देखिए मैं आपको बताऊं कि जो अनन्या पांडे है उनसे इसी वजह से पूछताछ हो रही है। एनसीबी उनको एक स्मॉल सप्लायर के तौर पर देख रही है, स्मॉल क्वांटिटी जो कंट्राबाइट है उसके सप्लायर के तौर पर देख रही है, इसी वजह से इस चैट के आधार पर उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने कोई ऐसा ड्रग अरेंज करके आर्यन को सप्लाई किया है, वो मना कर रही है, लेकिन ये चैट सामने रखा जा रहा है। फिर ये चैट क्या है, हालांकि अभी जो एक एस्टैब्लिश करना होता है कि किस तरीके से किससे मंगवाया, किससे खरीदा, उसके बाद किस तरह से सप्लाई किया, यही एस्टैब्लिश करने के लिए अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये चैट अनन्या पांडे की मुश्किल तो जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए अगर आप देखें तो बकायदा जो आर्यन है वो वीड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अनन्या पांडे कहती है कि फाइन मैं व्यवस्था करती हूँ, उसके बाद बकायदा वो कहती है कि आई एम इन टू बिजनेस, उसके बाद कहीं ना कहीं कहती है उनके पास व्यवस्था हो गई है, उसके बाद आर्यन कहते हैं कि वो सीक्रेट तरीके से वो उनको दे दे। तो ये जो चैट है ना ये मुश्किलें जरूर अनन्या पांडे की बढ़ा सकता है, और मुश्किलें बढ़ी थी इसी वजह से बैक टू बैक उनको दो दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई, आगे भी अभी पूछताछ होगी कि कल वो नहीं आई थी कुछ पर्सनल रीजन से, आज हाईकोर्ट में बेल की हियरिंग है, लेकिन ये चैट अनन्या पांडे की मुश्किलें जरूर बढ़ाता है। रोक रही हूं अरविंद, ये देखिए चैट जो सामने आई है अनन्या पांडे जिसमें वो कह रही ब्रॉट द वीट, ये बकायदा अनन्या पांडे जिस तरीके से अनन्या और आर्यन के बीच की ये चैट सामने आई है 2016-2021 की, ये दो चैट बताई जा रही है, और इसी के तहत अनन्या पांडे अब मुसीबतों में घिरी हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनसे इसी संदर्भ में पूछताछ हो रही है कि जब वो ड्रग्स नहीं लेती हैं तो आखिरकार वो अरेंज कैसे करवा रही थी आर्यन खान के लिए, और ये कब से चल रहा था, इसी एंगल पर अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है अरविंद।